रायसेन से आ रही है तीसरी खबर, जहां रायसेन में तेंदुआ बाघ की दहशत दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि रायसेन क्षेत्र में तेंदुआ बाघ की दहशत है। स्थिति यह बन गई है कि वन विभाग की टीम इन दिनों को ना केवल जंगलों में पकड़ने के लिए भटक रही है, वहीं ग्रामीणों को भी सावधानी रखने के लिए कह रही है। वन विभाग के अफसरों ने बताया कि बीते 8 दिनों के अंदर एक बाघ और एक तेंदुआ दो लोगों पर हमला कर चुके हैं, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, रायसेन में तेंदुए बाघ की दहशत जो है देखने को मिल रही है, ये बाघ और जो तेंदुए का मूवमेंट कहाँ कहाँ देखा गया है और कब कब देखा गया है? का जैसा कि मैं अपने एशियन भारत दर्शकों को बता दूं कि रायसेन जिले में बाघ और तेंदुओं के जो देखना उनका मूवमेंट एक आम बात सी हो गई है। जैसा कि देखा जा रहा था कि जू और बाल विहार जैसी जगहों पर आमतौर से वन्य प्राणियों को ऐसे तेंदुए और बाघ को देखा जाता था, लेकिन देखा जाए तो रायसेन जिले में लगातार बाघ और तेंदुओं का मूवमेंट जहां पर देखा जा रहा है। हालांकि मूवमेंट अकेला नहीं देखा जा रहा है, ऐसे में दो लोगों पर हमला भी किया गया है। इसमें एक शख्स की मौत हुई है और दूसरा शख्स घायल है जिसका इलाज चल रहा है। मैं आपको यह बार बता दूं कि रायसेन, बड़ी जानकारी अपने एशियन भारत के दर्शकों को दे दूं कि रायसेन जिले में दो वन मंडल आते हैं, एक रायसेन और दूसरा उदयनगर। जैसा की आज जैसा की जानकारी मिल पा रही है एशियन भारत को कि एक मूवमेंट बाघ का उदयनगर क्षेत्र में भी देखने को मिला है, लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया है बाघ को और वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसे वन विभाग और वन कर्मी लगातार वन विभाग के लोग है तेंदुए और बाघ पर नजर जमाए हुए, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी वन विभाग पर खड़े हो रहा है, क्योंकि इसी का मैं आपको बता दूं, दो लोगों पर लगातार हमला करना और एक उसको एक शख्स की मौत हो जाना, ऐसा की बुनियादी की बात की जा रही है कि अभी लकड़ी लेने लोग जंगल में ना जाएं, मवेशी चराने लोग जंगल में ना जाएं, घूमने के लिए वक्त सुबह घूमने के लिए लोग इलाके में ना जाएं, तेंदुआ पत्ता तोड़ने के लोग ना जाएं। हालांकि कब तक ना जाएं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वन विभाग पर। जैसा कि सीसीटीवी कैमरे की भी बात हो रही है, टीवी के बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हो रहा है। का जैसा कि मैं बता दूं कि इसमें उच्च अधिकारियों को इसमें संज्ञान देने की जरूरत है। अगर आप समय पे तेंदुए और बाघ जैसे खतरनाक जानवरों का रेस्क्यू नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे वन विभाग पर, लेकिन ऐसे में लोगों की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तेंदुए पत्ते की अगर बात की जाए तो कई परिवार इससे पलते हैं, ऐसे में अगर दहशत में लोग दहशत के साए में बाघ और तेंदुए को जिएंगे तो मुझे लगता है आम आदमी का जनजीवन तो इस तरीके से परेशान होने की बात सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मैं कह सकता हूँ कि उच्च अधिकारियों का अधिकार संज्ञान लेने की जरूरत है। जैसा कि रायसेन जिले में लगातार तेंदुए और बाघ की मूवमेंट के साथ साथ लोगों पर हमला भी किया जा रहा है। ऋषि का बता दूं कि ऐतिहासिक किला है रायसेन का, यहाँ पर लगातार मूवमेंट बाघ का देखा गया था और ऐसे में एशियन भारत ने भी अपने दर्शकों को दिखाया था कि जो दीवार फांदकर एसपी जिला अधीक्षक की दीवार फांदकर एक बाघ जो है बाघ अंदर चला गया था, ऐसे में बड़ी घटना होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और बड़े अधिकारी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गंभीर मामला है, काफी खतरनाक माने जाते हैं बाघ और तेंदुए और ऐसे में लगातार बाघ और तेंदुए का मूवमेंट और लगातार हमले कहीं ना कहीं वन विभाग पर सवाल तो खड़े कर रहा है। रीतिका जी, वन विभाग का इस पूरे ही मामले में क्या कुछ कहना है राशिद? जी ऋतिका, जैसा कि अभी वन विभाग रायसेन वन मंडल के डीएफओ विजय सुंदर जी से मेरी अभी बात हुई है, वो कुछ भी साफ तौर पर कोई बात बता नहीं पा रहे। हमका संपर्क सर यही कहना है, एशियन भारत पर मेरी अभी फोन पर बात हुई है कुछ ही देर पहले, उनका कहना है कि लगातार मूवमेंट का जो है ध्यान दिया जा रहा है, रेस्क्यू आखिर कब तक किया जाएगा। क्या मुझे लगता है कहीं ना कहीं वन विभाग को कहीं बड़े और बड़े हादसे का कहीं ना कहीं इंतजार है, कब तक रेस्क्यू किया जाएगा। लगातार 2 से 3 महीने माह होने को आए हैं, ऐसे में लगातार मूवमेंट और लोग, तो सबसे बड़ी बात रही थी का मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आम लोग, आम राहगीर अपने मोबाइल फोन में कैद कर रहे हैं बाघ और तेंदुओं को,
लेकिन ऐसे में वन विभाग की टीम और वन विभाग के कैमरे कहीं ना कहीं उनसे नदारद है। मतलब इससे साफ यही जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है और लोगों को कहीं ना कहीं सिर्फ मुनादी कहकर ही अपना जो है तीसरी की जा रही है। ऐसा जिन मुझे कहना कि जल्दबाजी होगा कि कहीं ना कहीं सीजन का टाइम है और ऐसे में लोगों को पहलू पत्ते जैसे की भी जरूरतें पूरी होती और अब लोग अगर दहशत के साए में जियेंगे तो वन विभाग पर जरूर सवाल ये निशान लगेंगे। जी, तो अभी तक जो वन विभाग के द्वारा जो बाघ और जो तेंदुआ देखा गया है उसको पकड़ने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, आपको पता है इस बारे में? जी बिल्कुल, लगातार एशियन भारत न्यूज इतना एक्टिव मूड पर है, बराबर निगरानी इस भी रखे हुए हैं। जैसा कि बातचीत वन विभाग के आला अधिकारियों से एशियन भारत इसकी चल रही है, इसलिए मैंने आपको अभी कुछ ही देर पहले जिक्र किया है। जी जी, डीएसओ रायसेन जो विजय बंदा है उनसे मेरी बात हुई है लेकिन कोई जवाब नहीं, मुझे लगता है क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अभी तक इस बारे में कुछ बताया वन विभाग ने? उनका साफ तौर पर यही कहना है कि मूवमेंट जो है और जहाँ जहाँ भी मूवमेंट की जानकारी मिल रही है विभाग को मूवमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है। रेस्क्यू का वही सवाल वही खड़ा हो रहा है, वो इसका पूरे पक्का जवाब इनको देने में कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है, बस उनका यही कहना है कि बस ध्यान रखा जा रहा है, लोगों का मुनादी की जा रही है लेकिन ये सब कुछ करना नाकाफी है। रितिका जी, ग्रामीणों का क्या कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपने बहुत माकूल सवाल किया कि ऐसे मामले में ग्रामीणों से भी एशियन भारत भी उसकी बात हुई है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर ऐसे सीजन के मौसम में अगर दहशत के साए में ग्रामीण जिएंगे, जंगली इलाकों में अगर लोग अपने काम से ही अगर बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो बच्चों को अपना क्या खिलाएंगे और क्या ऐसे में, जैसे चूंकि बारिश का मौसम भी बिल्कुल नजदीक है, कभी एक महीने बाद अभी बारिश भी लगने वाली है, लोग ऐसे में अपना सीजन करके बच्चों का भरण पोषण बैठ के खाते हैं बारिश में, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनको वो भी दहशत के साए में। और उनका यही कहना है कि वन विभाग कुछ भी मतलब अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और वन विभाग सिर्फ यही कहकर अपनी खानापूर्ति कर रहा है, ये सब निगरानी रखी जा रही है, आपको ना जाए मुनादी करा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं रेस्क्यू नहीं कर पाना ये सबसे बड़ा सवाल जो है वन विभाग पर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल रितिका जी, राशिद, तो आपको बता दें कि खबर आ रही थी रायसेन से, जहां रायसेन क्षेत्र में तेंदुए बाघ की दहशत की स्थिति है। यह बन गई है कि वन विभाग की टीम इन दिनों ना केवल जंगलों में पकड़ने के लिए भटक रही है, वहीं ग्रामीणों को भी सावधानी रखने के लिए कह रहे हैं। वन विभाग के अफसरों ने बताया है कि बीते 8 दिनों के अंदर एक बाघ और एक तेंदुआ दो लोगों पर हमला कर चुके हैं। ये दो लोग जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए गए थे। बाघ और तेंदुए की दहशत इतनी है कि ग्रामीण रात को भी बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। वनकर्मी गांवों में मुनादी कर रहे हैं कि ग्रामीण घर से अकेले बाहर ना निकलें। वहीं अगर बात की जाए चौथी और आखिरी खबर की, तो चौथी और आखिरी खबर कसरावत से आ रही है। आपको बता दें कि अधिकारियों की मौजूदगी में जो है बीज वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कसरावत में प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को कपास बीज का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी